नमस्कार, आप देख रहे हैं News24 का यूट्यूब चैनल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। झारखंड के धनबाद जिले के गांव में सावित्री देवी नाम की महिला की मौत का मामला सामने आया है। पति रामेश्वर तुरी ने आरोप लगाया कि अनाज नहीं होने से उसके घर में दो दिन से चूल्हा नहीं जला है। भूख के कारण उसके पत्नी की मौत हुई है। उसने राशन कार्ड बनाने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पिछले साल ही आवेदन दिया था, जो अब तक नहीं बना है। वाकई में अगर ये खबर सच है तो ये शर्मनाक खबर है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया में बहुत ही विकासशील और एक समृद्ध देश बताया जा रहा है, उस देश में अगर किसी महिला की मौत भूख की वजह से हो जाए, अगर किसी व्यक्ति की मौत सिर्फ इसलिए हो जाए कि उसे अनाज नहीं मिला था, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। ना सिर्फ झारखंड की जो सरकार है उसके लिए, बल्कि समाज के लिए भी। हमारे आसपास अगर कोई व्यक्ति मर जाता है जिसके पास अनाज नहीं है, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो संवेदनाएं हैं खत्म हो रही हैं, उस पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है समाज की और वो मदद वहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो अपने आप में हमें सोचना होगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और सरकारों पे तो सवाल ज़रूर उठेंगे, दावे किए जाते हैं हमेशा, लेकिन उन दावों की पोल इस तरह की घटनाएं हमेशा खोल देती हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वह भी अनाज के एक दाने के लिए तड़प रहे हैं।